नमस्कार, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। दीपिका के घर के चक्कर लगाने का सवाल पूछने पर रणवीर सिंह ने क्यों मचाया बवाल। जितेंद्र की जगह किसने करवाया था एकता कपूर और SRK का पैचअप। और आपको मिलवाएंगे फिल्म क्रिश 3 के विलन विवेक ओबेरॉय से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आजकल काफी टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे हैं और जूम को ये भी खबर मिली है कि आजकल रणवीर सिंह दीपिका के घर पर अक्सर स्पॉट किए जाते हैं। और जब इस खबर पर हमने रणवीर सिंह का रिएक्शन लेने की कोशिश की तो देखिए कैसे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। Well, this beautiful man that is you have been always going to Prabha Devi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place, is it true? No. Yeah. क्या? अच्छा नहीं नहीं ये है लगभग लगभग हर सवाल का जवाब रखने वाले रणवीर सिंह। यही है किंग खान की ही तरह मीडिया के सामने एक एंटरटेनर के तौर पर उभरते रणवीर सिंह। पर जैसे ही आया चेन्नई एक्सप्रेस में SRK की को स्टार दीपिका के घर के चक्कर लगाने का सवाल, रणवीर थोड़े बिगड़ गए। दीपिका के प्रभा देवी वाले घर पर रिपोर्टेडली उनकी बढ़ती विजिट्स के बारे में पूछना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया। रणवीर को पसंद नहीं आया उनकी अपकमिंग फिल्म रामलीला की को स्टार दीपिका के साथ उनकी इस कदर बढ़ती बॉन्डिंग की बात। और देखिए रणवीर कैसे सवाल सुनते ही चकरा गए। This beautiful man that is you have been always going to Prabha Devi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place, is it true? No. Yeah. Kya? Acha. Nahi. Nahi. Well, ये तो हम आपको बताएंगे ही कि रणवीर के सामने ये सवाल हमने किस बिना पर रखा। पहले जरा देखिए दीपिका के प्रभा देवी वाले घर के चक्कर लगाने के सवाल पर रणवीर कैसे लाल पीले हो गए। रणवीर ने अपनी PR को बुलाया और ऐसे सवालों को रबिश बताकर इंटरव्यू रुकवा दिया। पर शायद रणवीर ये भूल गए कि वो खुद ही हैं जो जानबूझकर दीपिका की बातें बीच में लाते हैं। अब इस इवेंट पर उन्हें द मोस्ट हैंडसम मैन का अवार्ड मिला था तो उनसे ये सवाल तो बनता ही है ना कि कौन है द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उनकी नजर में। आई थिंक दीपिका हैड अ रियली हॉट कवर। या इट वाज नाइस। यहाँ तक दीपिका के जिक्र से रणवीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही बात शुरू हुई उनके और दीपिका के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप्स में आए सबसे ताजा ताजा अपडेट की, रणवीर सिंह उखड़ गए। This beautiful man that is you have been always going to Prabha Devi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place, is it true? No. Yeah. क्या? अच्छा नहीं। चलिए अब आपको वो खबर भी दे दी जाए जिसके बेस पर हमने रणवीर सिंह से दीपिका के घर बार बार विजिट करने का सवाल पूछा। दरअसल कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दीपिका के पड़ोसियों का कहना है कि डिप्स के प्रभा देवी वाले घर में आजकल रणवीर सिंह का कुछ ज्यादा ही आना जाना है। रिपोर्टेडली रणवीर दीपिका कुछ ज्यादा ही वक्त साथ बिता रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा इधर उधर की बातों पर कान देने से अच्छा क्यों ना खुद रणवीर सिंह से ही पूछ लिया जाए, क्यों ना उन्हीं से पता कर लिया जाए कि आखिर सच क्या है। This beautiful man that is you have been always going to Prabha Devi near Deepika's place quite a lot to visit her at her place, is it true? No. Yeah. Kya? What about? Acha. Nahi. Nahi. लेकिन एक बार फिर बॉलीवुड स्टार्स का वही डबल स्टैंडर्ड ही नजर आया यहाँ, क्योंकि अवार्ड्स नाइट से लेकर फिल्म प्रीमियर्स तक रणवीर ने साथ नहीं छोड़ा दीपिका का। यहाँ तक कि रिपोर्टेडली कई बार चेन्नई एक्सप्रेस के सेट्स पर भी रणवीर की मौजूदगी दर्ज की गई है। ऐसे में वो दीपिका को लेकर अपनी सारी बॉन्डिंग खुद दिखाएं तो सब ठीक, और अगर यही काम मीडिया करे तो वो करें तो सब जायज, सब कुछ रासलीला। पर मीडिया ने अगर थोड़ी भी क्यूरियोसिटी दिखाई तो सारा इल्जाम मीडिया के नाम। वरुद्रानी चटराज, ज़ूम, मुंबई। डू यू थिंक रणवीर दीपिका विल मेक अ गुड पेयर ऑफ स्क्रीन?
Tell us your views on Twitter at ZoomTV with #PBNews. फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस के बॉक्स ऑफिस क्लैश को अवॉइड करने के बाद शाहरुख खान ने जितेंद्र को थैंक्स कहा था। साथ ही एकता कपूर ने भी अपने डैड की मर्जी बताकर इस इशू से अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन क्या यही है इस पूरे मामले की सच्चाई? Let's find out. I think all films are important which are made, and if one can amicably decide, so we'll be extremely thankful. Actually, the whole team, all of us, on behalf of them, to Jeetu Saab, and wish the film all the best to Milan also. When big daddies talk, small kids keep quiet. So here there was my big daddy talking. That's my dad. And he decided something, and I'm not going to go against him for anything. Ekta Kapoor ne apni film Once Upon a Time in Mumbai ki release date postpone karne ke piche wajah batayi thi ki aisa unke dad Jitendra chahte hain. When big daddies talk, small kids keep quiet. शाहरुख खान ने भी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान जितेंद्र को उनके काइंड जेस्चर के लिए थैंक्स कहा था। I think all films are important which are made, and if one can amicably decide, so we'll be extremely thankful. Actually, the whole team, all of us, on behalf of them, to Jeetu Saab, and wish the film all the best to Milan also. लेकिन क्या ये पूरा मामला ऐसा ही है जैसा एकता कपूर और शाहरुख खान दिखाना चाहते हैं? Well, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे जानने के बाद बॉलीवुड का ऐसा चेहरा आपको दिखेगा जिसे बॉलीवुड स्टार्स हमेशा आम पब्लिक से छिपा कर रखते हैं। जी हाँ, एक इंग्लिश टैब्लॉइड ने एक्सप्लोसिव खुलासा किया है कि एकता कपूर और शाहरुख खान के बीच हुआ पैचअप जितेंद्र ने नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है। इस टैब्लॉइड के मुताबिक जितेंद्र और एकता कपूर इस बात से परेशान थे कि उनकी ईद पर रिलीज हो रही फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल पाएंगे। यही वजह है कि जितेंद्र फिल्म मेकर रमेश सिप्पी के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलने पहुंचे और उनसे मदद मांगे। इस टैब्लॉइड के मुताबिक फिर इस लीडर ने शाहरुख खान और एकता कपूर की सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान ईद की रिलीज डेट छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और फिर बालाजी फिल्म्स को फाइनली हार मानकर अपनी फिल्म की रिलीज डेट एक वीक तक के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। Well, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें हरास किया जाता है, लेकिन अब जब पॉलिटिशियंस और इन सेलिब्रिटीज के बीच का ये नेक्सस सबके सामने आ गया है, ऐसे में बॉलीवुड अब कंट्रोवर्सीज में विक्टिम होने का दावा नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ वोग ब्यूटी अवार्ड 2013, जहाँ कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। मुंबई में कल सजी एक शाम ज्योति सितारों के नाम, और ये खास मौका था फैशन मैगजीन के अवार्ड इवेंट का, जहां बॉलीवुड के यंग स्टार्स थे मौजूद। वी स्पॉटेड डायना पेंटी इन अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी गॉट टू सी दिस ब्यूटी सिजलिंग इन सच अ गॉर्जियस अवतार। ऑल्सो कैप्चर्ड वॉज आलिया भट्ट वेयरिंग अ क्रीमिश एंड ऑरेंज कॉम्बो फ्रूट 3/4 ड्रेस। आलिया वॉज लुकिंग लाइक अ लिटिल एंजल इन दिस ड्रेस। Neha Dhupia was wearing a simple long dress, yet she managed to look sober at the event. Yami Gautam was seen in a short dress and not that much of a glamorous avatar. वहीं दिया मिर्जा ने पहना एक सिंपल सा ब्लैक ड्रेस जिसमें वो लग रही थी काफी खूबसूरत। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वर सोफी चौधरी, काजोल्स लिटिल सिस्टर तनीषा, अदिति राव हैदरी, गोविंदास डॉटर नर्मदा, जरीन खान, कुणाल रॉय कपूर एंड मेनी मोर। एंड हियर कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रणवीर सिंह, जिन्हें मिला द मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड। एंड यस, सोनम कपूर वाज स्पॉटेड इन अ डेड गॉर्जियस ब्लैक ड्रेस, वाज आल्सो फेलिसिटेटेड द मोस्ट स्टाइलिश दीवा। वैसे सोनम डिजर्व्स दिस अवार्ड, एज हर इवेंट पर उनकी स्टाइलिंग होती है हटके एंड सिंटिलेटिंग। तो इसी तरह से सितारों से भरी ये रणवीर जान केम टू अ ब्यूटीफुल एंड। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम मुंबई। रिसेंटली अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को प्रमोट करने एक टेलीविजन रियलिटी शो के सेट पर पहुंची सोनाक्षी सिन्हा, मीडिया के किस सवाल को लेकर हो गई अनकंफर्टेबल? टेक अ लुक। SRK का ये लुंगी डांस ऑडियंसेस के बीच काफी पॉपुलर हो गया है, और इस सॉन्ग की वजह से अब फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस प्रमोशंस के मामले में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से काफी आगे निकल गई है। लेकिन फिर भी वंस अपॉन अ टाइम के स्टार्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोशंस में कड़ी टक्कर दी जाए, और रिसेंटली जब सोनाक्षी सिन्हा एक डांस रियलिटी शो के सेट्स पर पहुंची, तो वहां उन्हें शाहरुख खान की लुंगी डांस की पॉपुलैरिटी का पता चला। Can we say that you're supporting Chennai? Is she supporting Chennai? Well, he
said that, madam, do a step in Chennai style. I said, you come to Mumbai. You come for Once Upon a Time in Mumbai. Do Mumbai style step. So he's taught me a Mumbai step as well. Well, Sonakshi Sinha to is show par apni film ko promote karne aayi thi. Lekin is show ke contestants lagta hai Chennai Express ke songs ke zyada bade fans hain. Tabhi to unhone Sonakshi ko Once Upon a Time ke songs ki steps ki jagah Chennai Express ka step karne ke liye kaha. वैसे इस इवेंट पर मीडिया ने एक बार फिर सोनाक्षी से जानने की कोशिश की कि क्या चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बीच अभी प्रमोशनल कंपटीशन चल रहा है। Well, we are all here to do our own work. हमें जो काम दिया जाता है हम वो करने आते हैं जाते हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर एनीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद अ फिल्म की आपके होर्डिंग्स लगे लोग देखें एंड अप्रिशिएट करें हमारे प्रोमोज एंड songs काफी appreciate हुए हैं अब जब hoardings लग रहे हैं तो the entire team is very excited so there's we don't think of it in that way we're all here to do our own work. वैसे मीडिया ने सोनाक्षी के इस politically correct जवाब के बावजूद उनसे एक बार और यही सवाल दूसरी तरह से पूछा। My first film released on Eid and we're not competing with anyone right now because you know the dates have been changed and we are very happy in our space we are very satisfied with the film that we've made the film that we are a part of and I think that's what matters at the end of the day we're confident of our product and hope that people love it as much as we do. Well ab Sonakshi bhale hi in sawalon ko baar baar talne ki koshish kare lekin sachchai kya hai ye sab ke samne hai. Rudrani Chaturaj, Zoom Mumbai. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फिल्म क्रिश 3 के विलन विवेक ओबेरॉय से। फिल्म क्रिश 3 में विवेक ओबेरॉय एक डेडली विलन के रोल में नजर आने वाले हैं और रिसेंटली इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड विवेक ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात टेक लुक। So Vivek Oberoi is back and how because he's going to be in a very negative role this time. बहुत सालों बाद आप एक negative character play कर रहे हैं। Pure evil. Pure evil. I think shootout in Lokhandwala के बाद ये film नहीं बहुत बहुत मजा आया यार outstanding I think मुझे मैंने हमेशा ये सोचा कि सुपर हीरोज तो हमने देखे हैं एक बार सुपर विलेन को देखा जाए। मैंने ये भी सुना है कि आपके जो सुपर पावर्स हैं वो ऋतिक से क्रिश से ज़्यादा होने वाले हैं। I remember shooting in 48 degrees heat, Hyderabad, top sun, and I was latkawing on one harness in with the body suit and full body suit and my costume in the film weighs 28 kilos, 27 point something हाँ, 27.5 किलो के करीबन का कॉस्ट्यूम था मेरा, and it's all metal and stuff. So I was boiling inside. ऐसे मुझे लग रहा था प्रेशर कुकर के अंदर डाला हुआ है अब चावल बन के बाहर निकलूंगा मैं तो मतलब ये बॉडी सूट था कितने का मतलब अब तो नाम वेरी क्यूरियस अगर ऑलमोस्ट 28 किलो का था मेटल कितने का था बॉडी कॉस्टलीस्ट कॉस्ट्यूम विवेक ओबेरॉय इज एवर पॉसिबल फॉर श्योर पॉसिबल आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम ऑफ द फिल्म फॉर श्योर। आपने बहुत सारे अपनी फ्रेटर्निटी जो बनाएंगे म्यूटेंट्स के साथ और राकेश जी ने कहा सबसे क्यूटेस्ट इज कंगना का जो म्यूटेंट है तो क्या आपने सबसे तो क्यूट तो उन्होंने बोला था हॉट और खूबसूरत आपने भी लगा दिया। अब ही इज सीनियर ही कैन से क्यूट शी इज माय कंटेंपरेरी आई थिंक शी इज डन अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म आई हैव सम सीन्स विद हर आई हैव सम सीन्स विद प्रियंका बोथ लेडीज वर ब्रिलियंट I had such a good time working with Priyanka and working with Kangana. I mean, Ritik, I love, and we spent so much time bonding and everything. But even these girls, I had such a good time working with them and the whole technical crew. And about Kangana, I must say one thing that she's probably one of the fittest. Yes. Fittest. Yes. And her outfit, her look, man, so hot. Seriously. Your expression says a lot, actually. Yeah, I was going to say that you know mutants never look hotter than that. Seriously. Okay, so we actually got to wait till 6th of August to see how hot that mutant looks. Absolutely. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास सो स्टे विद अस। फाइनली द वेट इज ओवर और हम आपको बताने जा रहे हैं हु बिकेम द विनर ऑफ गोदरेज एओन वुमन ऑफ सब्सटेंस इन एसोसिएशन विद पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013। मोर डिटेल्स ऑन दिस कमिंग अप नेक्स्ट।
गोदरेज ईऑन वुमेन ऑफ सब्सटेंस इन एसोसिएशन विद पॉन्स फेमिना मिस इंडिया 2013 के लिए वेरियस कंटेस्टेंट्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ने किया पार्टिसिपेट। इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी वुमेन को दिया जाता है मौका टू लेट द वर्ल्ड नो हाउ दे हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ अदर पीपल। कई सारी एंट्रीज में से सिर्फ 7 वुमेन को किया गया शॉर्टलिस्ट एंड दीज 7 लकी वुमेन गॉट अ चांस टू डू वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द जजेस। Mark Robinson, Director Operations, Contestant and Creative Miss India Organization, Assistant Editor of Femina, Eva Pavitran, Femina Miss India International 2012, Rochelle Rao, and Femina Miss India World 2013, Vanya Mishra were the judges of this show. Amongst all these entries, a very deserving Miss Urmi Basu from New Light NGO Kolkata was declared a winner after 15 years of professional work. In 2000, Urmi along with 2 other friends had set up a small non-profit named New Light in Kalighat, a red light district in Kolkata, with seed money as little as 10,000 rupees. Pond's Femina Miss India 2012, Vanya Mishra crowned the winner at the grand finale of Pond's Femina Miss India 2013. After the crowning, we also had a word with the COO of Godrej Appliances, George Menezes, jinhone hame is initiative ke bare mein bataya. You know, ye jo award humne institute kiya Godrej Appliances ne, iska piche ka background ye tha ki our country as such, if you see, is a highly patriarchal society dominated by, you know, yeah, men. So there is a need to bring in this gender equality. And jab hum dekhte hain, you know, when you look at the Indian woman and the society, hazar issues actually, right from female fratricide to education of the girl child. So there are plenty of such issues actually to which you need to sensitize the society. That was the background jab humne socha ki kyun na hum aisa kuch kare which will create this awareness among society. And that's where the Godrej Ion Woman of Substance Award was instituted. Well, not just this. George Menezes ne humse share kiye apne viewpoints bhi about the winner of Godrej Ion Women of Substance in association with Pond's Femina Miss India 2013. Urmi Basu won the award. Unhone jo kaam kiya hai, I mean, absolutely path-breaking work in that space for the underprivileged children, for women who have been ostracized by society. Company like Godrej recognizes such a woman, brings her on stage and applauds her. It's not only, you know, an interaction between the company and her, but, you know, the rest of the world is seeing it actually. So that's, I think, the genesis behind this. So all the women out there, if you think even you are a woman of substance or know someone who has been able to stand out in the crowd and has inspired others in her own special way, then even you can share your stories at womanofsubstance@godrej.com. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ू, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।